हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं तूफान बिपरजॉय के लाइव अपडेट के बारे में कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है और किन इलाकों में वर्तमान में ये स्थित है और धीरे धीरे किस दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले 24 घंटों के बाद देखा जाए तो राजस्थान के किन किन जिलों में तूफान के प्रभाव से तेज हवा तो किन किन इलाकों में भारी बारिश की गतियाँ होने वाली हैं और किन किन इलाकों में आज से तेज हवा के साथ बारिश की गतियाँ शुरू हो सकती हैं और गुजरात के किन इलाकों में हुलने होने वाली हैं भारी बारिश की गतियाँ, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और आपके इलाके का कैसा रहा मौसम। तो दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए तो ये तूफान अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग के आसपास केंद्रित हैं और धीरे धीरे देखा जाए तो उत्तर पूर्व की दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विशेषतः बात करें तो ये गुजरात और पाकिस्तान के सटे इलाकों के आसपास हिट करने की संभावना है। वर्तमान में इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में इन क्षेत्रों में केंद्रित है और धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पिछले 12 घंटों के दौरान देखा जाए तो इसकी दिशा में 4 डिग्री का बदलाव देखने को मिला है और धीरे धीरे अब ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। ये धीरे धीरे देखा जाए 15 जून दोपहर से या शाम के मध्य गुजरात के और पाकिस्तान के तटीय इलाकों के आसपास टकराने की संभावना है। उसके बाद ये पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर आपको राजस्थान के आसपास एंट्री करने की संभावना है। इसके प्रभाव से जालोर, सांसोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, जोधपुर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की गतियाँ 16-17 जून के मध्य देखने को मिलेगी और कई कई इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की गतियाँ तेज तूफानी हवाओं के साथ 16-17 जून के मध्य देखने को मिल सकती हैं। ये गतियाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांसोर, जालोर, पाली, जोधपुर, सिरोही के आसपास के इलाकों में संभावित हैं और बाकी राजस्थान के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड बारिश की गतियाँ तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतियाँ होने की संभावना है। आज से राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सांसोर, बालोतरा के आसपास लगकर कहीं कहीं इलाकों में खंड बारिश की गतियाँ तो उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के कई इलाकों में भी हल्की से तेज बारिश की गतियाँ खंड बारिश के रूप में जरूर देखने को मिल सकती है। परंतु इस तूफान के प्रभाव से तेज हवाओं की बात करें तो आज राजस्थान के जोधपुर संभाग, पाली संभाग और बीकानेर संभाग तक कहीं कहीं तेज हवाओं का प्रभाव आज से शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। हो सकता है कहीं कहीं इलाकों में इस हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा भी रह सकती है। वर्तमान में सैटेलाइट इमेज की बात करें तो आप अरब सागर में देख सकते हैं इस तूफान के प्रभाव से किस प्रकार से घने बादलों का निर्माण होते हुए देखने को मिल रहा है और गुजरात के कई इलाकों में तेज हवा के साथ साथ भीषण बारिश की गतियां घने काले गहरे बादलों के साथ देखने को मिल सकती हैं। जो तटीय क्षेत्रों की बात करें तो पोरबंदर से लगाकर वेरावल, जामनगर के आसपास से लगाकर कई इलाकों में ओखा, नलिया और संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कई इलाकों में भारी बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। बाकी देखा जाए पालनपुर, महसाना के आसपास खंड बारिश की गतियां तो राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद के इलाकों की बात करें तो कोटा संभाग के कई इलाकों में खंड बारिश की गतियां अरावली क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। बाकी देखा जाए तो इन क्षेत्रों में तेज हवा का प्रभाव आज दोपहर के बाद से कई जिलों में देखने को मिल रहा है। विशेषतः बाड़मेर के गटर रोड के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में तूफानी हवाओं का प्रभाव आज से शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। कल से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों के साथ तेज आंधी का रूप देखने को जरूर मिलेगा और आने वाले 24 घंटों के बाद 15 जून रात से और 16-17 जून को राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में इस तूफान के प्रभाव से भारी बारिश की गतियां तो कहीं की अति भारी बारिश की गतियां तूफानी हवाओं के साथ जरूर देखने को मिलेगी। आज मानसून में कोई विशेष हलचल देखने को नहीं मिली और आने वाले 1-2 दिन के दौरान देखा जाए तो मानसून में कोई विशेष गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी। इस तूफान के प्रभाव से गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में और महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां हो सकती हैं। एक WD उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के करीब पहुंच चुका है। इसके प्रभाव से देखा जाए तो राजस्थान के उत्तरी जिलों में बारिश की गतियों में कमी देखने को मिलेगी क्योंकि नम हवाएं इस तूफान की ओर बढ़ चुकी हैं तो नमी की कमी के कारण इन क्षेत्रों में बारिश की गतियां देखने को नहीं मिलेगी। 18 और 17 जून के बाद ही राजस्थान के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतियां संभावित हैं। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर अभी इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।